वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपके एक बार फिर से एमएस एमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज सुबह पेपर की कटिंग है, इसमें ये लिखा गया है कि 10वीं में 53वें, 12वीं में 40 ने किए आवेदन। ये उन आवेदन का मतलब, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे मैंने आपको लगभग 2 से 3 दिन पहले की अपडेट करवाई थी कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में अपने परिणाम को लेकर के संतुष्ट नहीं हैं, वो अगर दोबारा पेपर देना चाहते हैं तो वो अपना फॉर्म जो वो सबमिट करवा सकते हैं 4 अगस्त या 5 अगस्त तक। ठीक है, 4 अगस्त तक है ना। तो खास बात यहाँ पे देखो क्या है कि 21 लाख में से मात्र 93 विद्यार्थी रिजल्ट से असंतुष्ट, दोबारा देना चाहते हैं परीक्षा। अब आप ये देखो कि 21 लाख बच्चे ऐसे थे जिसमें से सिर्फ 93 बच्चे जो हैं वो ही वो नहीं हैं संतुष्ट नहीं हैं, बाकी सब लोग जो हैं वो जो भी रिजल्ट उनका आया है, फ्री फोकट के नंबर जिनको मिले हैं, वो उससे सेटिस्फाई हैं। ओके, तो देखो कितना जो है अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो कितना बेकार हो गया है। बच्चे जो है वो नकारा हो गए हैं, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। पर ठीक है, इन फ्यूचर इनको जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है, लाइक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम को लेकर के कुछ इनके साथ हो सकता है। यहाँ तक कि ये व्यवस्था भी की जा सकती है कि जो बच्चे प्रमोट हुए हैं और वो इन फ्यूचर कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। बस स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों, स्कूल वालों ने जो भी मार्क्स भेजे उनके आधार पर इनका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, तो पहली चीज़ तो ये थी आप लोगों के लिए, है ना। तो ये बात जो है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि मात्र 93 बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट को लेकर के असंतुष्ट हैं। दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पर और दिखाना चाहूँगा, वो क्या रहेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये रहेगी कि ये जो 93 बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के, इनका टाइम टेबल जो है वो भी आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपका कोई रिलेटिव हो जिन्होंने ये काबिलियत दिखाई है कि भाई मैं दोबारा एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, मैं अपनी मेहनत पे यकीन करना चाहता हूँ, है ना, तो उन बच्चों के लिए ये जो अपडेट है वो यहाँ पर रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10वीं की परीक्षा 20 अगस्त तथा 12वीं की परीक्षाएँ 25 अगस्त को समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंडरी परीक्षा सुबह 1 पारी में होगी, इसका समय सुबह 8:30 से 11:45 तक रहेगा। वहीं सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सुबह 8:30 से 11:45 तथा दोपहर 1:45 या शाम 5 बजे तक 2 पारियों में होगी। सीनियर सेकेंडरी की 2 पारियों में होगी और सेकेंडरी की 1 ही पारी में होगी। टाइम टेबल के मुताबिक 12 अगस्त को 10वीं कक्षा का व्यावसायिक ट्रेड विषय एवं प्रवेशिका परीक्षा होगी, 13 अगस्त को अंग्रेजी, 14 को हिंदी, 16 को गणित, 17 को सामाजिक विज्ञान, 18 को संस्कृत या उर्दू, और प्रवेशिका परीक्षा में संस्कृत यानी द्वितीय प्रश्न पत्र तथा 20 अगस्त को विज्ञान विषय का जो पेपर है यहाँ पे होने वाला है। एक बार वापस से रीड कर लेना इसको, 13 अगस्त को अंग्रेजी, 14 को हिंदी, 16 को गणित, 17 को सामाजिक विज्ञान, 18 को संस्कृत और 20 तारीख को विज्ञान का जो पेपर होगा 10वीं क्लास का। उसी प्रकार अगर हम 12वीं की बात करते हैं तो 12 अगस्त को पहले दिन पहली पारी में अनिवार्य अंग्रेजी और दूसरी पारी में चित्रकला विषय के पेपर होंगे। ठीक है, और इसी प्रकार जो इनका पेपर जो है वो यहाँ पर रहेगा, 13 अगस्त को 12वीं क्लास का अंग्रेजी का, उसके बाद 14 को हिंदी का, 16 को गणित का होगा गणित वालों का, और अदर सब्जेक्ट वाले जो हैं उनका अदर का होगा। इस प्रकार से वो अपना टाइम टेबल जो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका टाइम टेबल रहेगा। 93 जो बच्चे हैं मुझे इन पर गर्व है, क्योंकि इन्होंने अपनी मेहनत पर यकीन करना उचित समझा और इन्होंने क्या किया, वापस से जो फॉर्म है वो अप्लाई किया। तो आप ये जो जानकारी है ये अगर आपके परिवार में कोई बिलोंग करता है तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए और बच्चों को जो है वो मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।